नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में कौन से प्लांट पे आप ज़्यादा बरसात नहीं आने दे सकते, जिस जो आपके पौधे कुछ ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। पहले आता है विंका। विंका में आप ज़्यादा बारिश लगने की वजह से ये गलने लग जाता है और उसकी स्टेम बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो इसे आप ज़्यादा बारिश से बचाइए, हल्की हल्की बारिश चल जाएगी। दूसरा आता है एग्नोमिया, और इसको लिपस्टिक प्लांट भी बोलते हैं। इसको भी आप डायरेक्ट बारिश से आप बचा सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम भी बहुत हल्की होती है, ज़्यादा पानी स्टोर होने की वजह से ये ख़राब होने लग जाती है। तीसरे नंबर पे आता है कॉलियस का प्लांट जो है हमारा, बारिश की वजह से ये भी ज़्यादा पानी से इसकी स्टेम गलने लग जाती है और ख़राब हो जाता है। हमारे कल से जैसे बारिश हुई, हमने छोड़ दिया था एक बाहर, इसकी दो तीन वैरायटी थी, तो उनकी स्टेम एक दिन में ही गल गई है। ये आता है हमारा डेफनबेकिया का। इसको भी आप डायरेक्ट बारिश से बचा सकते हैं, जोर की बारिश से, क्योंकि ये पानी ठहर जाता है और इसकी स्टेम पानी पी लेती है, जिसकी वजह से ये भी ख़राब होने लग जाता है और पत्ते इसके गल के ख़राब हो जाएंगे। इसी में एक दूसरी वैरायटी भी है, ये थोड़ा बारिश का पानी में थोड़ी अच्छे से चल जाती है, पर ज़्यादा पानी स्टोर इसमें भी नहीं आप रहने दे सकते हैं, तो इसको भी डायरेक्ट से आप बचाएंगे। जेड प्लांट होता है, जेड प्लांट हमारा सकुलेंट वैरायटी का होता है, तो इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये भी। और वंडरिंग जू को पानी से अच्छी हरी भरी तो दिखती है, पर लेकिन ज़्यादा पानी अगर ठहर जाता है तो इस तरीके से यह गलने लग जाती है, क्योंकि इसके पत्तों पे पानी डले तो ठीक है, अदर इसके स्टेम तो गल ही जाती है। ये बैम्बू प्लांट है, बैम्बू प्लांट में भी ये इंडोर प्लांट होता है, इस वजह से आप इसको ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते हैं, ये गलने लग जाता है और जो इसके बेबी शूट्स निकले होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये सकुलेंट। कोई भी वैरायटी किसी टाइप का भी आपके पास हो, उनको आप डायरेक्ट पानी से बचा सकते हैं, क्योंकि इनमें पानी स्टोर होते ही इनकी सारी पत्तियाँ झड़ने लग जाती है। फिर आता है हमारा क्रूटोन। क्रूटोन दो तीन वैरायटी का होता है, आप सबको ही ज़्यादा पानी बारिश का नहीं आने देती है। धीमी बारिश अगर आपके यहाँ पे है तो चल जाता है, धीमी बारिश इनके पत्ते ही क्लीन होंगे, और लेकिन डायरेक्ट पानी से ख़राब हो जाते हैं। सेम ऐसे ही सॉन्ग ऑफ इंडिया भी है, डेफनबेकिया भी है, ड्रेसिना भी है, और ये एडिनियम आपके पास है तो उसको भी ज़्यादा बारिश से बचाएं, क्योंकि उसमें अगर बारिश अगर आ भी रही है आपका ओपन एरिया में है, तो उसका ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पानी ठहरते ही इसकी जो ये स्टैम्प है ये गलने लग जाती है और इसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये फिर ख़राब हो जाता है हमारा पौधा। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सेंसिवीरिया, स्नेक प्लांट जिसे आप बोलते हैं, ये काफ़ी सारी वैरायटी में आता है, जिनको सेंसिवीरिया बोला जाता है, तो जो अलग सी वैरायटी होती है, इनको ज़्यादा पानी और ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये देखिए ज़्यादा पानी की वजह से इसके पत्ते ख़राब हो सकते हैं। और ये भी है हमारे डेसिना की वैरायटी ही, तो इसको भी आप बचा सकते हैं। इस तरीके के आप सभी पौधों को अपने अभी देख लीजिए, क्योंकि अभी एक दो दिन बारिश ज़्यादा है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।